आप मान के चलिए कि यदि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन हो के उत्तर प्रदेश एक $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यद्यपि प्रगति हुई है उत्तर प्रदेश के जीडीपी ग्रोथ में, जो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक नई वृद्धि आने की आवश्यकता है, तभी उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। और जब तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेगा, तब तक भारत का जो ये लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है।